अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज फिर हम हाजिर हुए एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह हम HP laserjet 2055dn इसकी सप्लाई चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। दोस्तों ये इसकी ट्रे है, ट्रे निकाल लेनी है। इस वजह से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये नीचे लॉक बने इसके, इसको प्रेस करेंगे बाहर आ गया। ये इसकी डबल एक्स ट्रे है। ये इसकी सप्लाई है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। ये इसके ऊपर लॉक बना, इसको लैको प्रेस करेंगे और तो प्रेस करके इसे आस्ते आस्ते इसे खींच लेंगे।
एक नट इसका यहाँ लगा, मैं इसको खोलता हूँ। ये साइड पे लॉक है, इसको जरा फ्लैट पे का बाहर खींचना। तो दोस्तों ये इसकी सप्लाई आ गई। ये सप्लाई इसकी जल गई है, तो अब इसमें नई सप्लाई लगाएंगे। ये नई सप्लाई मैं लेके आया हूँ बाजार से, तो ये नई सप्लाई इसके अंदर फिट करेंगे। ये खराब सप्लाई मैंने सेट भी कर दी। दोबारा इस तरह इसको फिट करेंगे। पहले दोनों ऑन ऑफ वाली तारें निकाल लेंगे। दोबारा उसी तरह तारे लगा देंगे जिस तरह तारे उतारी थी। ये अर्थ है इसका।
ठीक है दोस्तों, जिस तरह की केबलें उतारी थी इस तरह हम दोबारा लगा देंगे केबलें वन बाई वन। अगर आपको आपने पहली दफ़ा ये केबलें वगैरह उतारनी है तो वैसे तो हर केबल अपनी ही जगह लगेगी, तो इसका तरीक़ेकार है कि पॉइंटर वगैरह से हम इसके ऊपर यहीं जहाँ से उतारा उसके ऊपर पॉइंटर से निशान लगा दें, उसकी मदद से हमें ये ढूंढने में मसला नहीं होगा। हर केबल हम वहीं लगाएंगे जहाँ से ये उतारी थी। वैसे भी ये केबल किसी और में नहीं लगेगी, हर केबल आपने ही दिखाने में लगेगी। ये देखें इसी तरह मैं हर केबल अपने ही प्लग में लगी जा रही है। ठीक हो गया दोस्तों, ये इधर फिट हो गया। इसके बाद ये साइड वाला, ये ज़रा एहतियात से लगाना है, ये भी लगा दी इसे, यहाँ लॉक ही है। ये इसका ऑन ऑफ लाइक ऑन ऑफ, ये दोस्तों इसकी डिफ्लेक्स के जिसका सेंसर है इसको नीचे वाले सराख में करना है, ऊपर से दबा के ठीक हो गया। ये फिट हो गया बिल्कुल, इसके सड़न वाला टप फिट करते हैं।
लेट्स प्रे इफ इट होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सप्लाई इसकी चेंज कर दी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।